प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। पीएम के इसी सपने को अब उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नई उड़ान मिलेगी। वाराणसी सहित पूर्वांचल के युवाओं को उनके इनोवेटिव आइडिया के लिए जल्द ही नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इक्यूबेशन सेंटर की स्थापना होगी। माना जा रहा है इसी साल विश्वविद्यालय में ये सेंटर शुरू हो जाएगा। इस सेंटर में युवा अपने इनोवेटिव आइडिया और स्टार्टअप को लेकर आएंगे और ये सेंटर उनके आइडिया को डेवलप करने में उनकी मदद करेगा। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर सुनीता पांडे ने बताया कि आजकल युवाओं के पास अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं, लेकिन फंड के अभाव और सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण वो अपने इस स्टार्टअप को आगे नहीं ले पाते हैं। ऐसे में यह सेंटर उनकी उस आइडियाज़ को बाजार तक ले आने में उनकी मदद करेगा। इसमें शासन का एक लेटर और शासनादेश है कि हर यूनिवर्सिटी में जो है इंक्यूबेशन सेंटर हो और उसके तहत जो है स्टार्टअप स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आज बेरोजगारी का समय है और जो है बहुत से ऐसे इनोवेशन बच्चों के पास आइडियाज़ होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे आर्ट्स के हो, तो अपना वो आइडियाज़ स्टार्टअप में जो है इनोवेशन सेंटर के माध्यम से स्टार्टअप का एक प्लेटफॉर्म उन्हें दिया जाएगा और उसके माध्यम से हमारा एक इनक्यूबेशन सेंटर ऐसा होगा जहाँ हर तरह की उन्हें फैसिलिटी दी जाएगी कि कैसे आप अपने आइडियाज़ को डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप लोन ले सकते हैं, कैसे अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी जो है इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना कर रहा है। हमने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू कर दी है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता है, फिर हम लोग स्टार्टअप पॉलिसी और डिफरेंट कंपनीज़ के साथ एमओयू करके ताकि बच्चों को जो है आइडियाज़ मिल सके कि किस तरीके से वो अपने स्टार्टअप को इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट कर सकते हैं। और यूपी स्टार्टअप स्कीम भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है, जिसके तहत बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अपने आइडियाज़ को, क्योंकि बच्चों के पास आइडियाज़ बहुत होते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो ये इनक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से स्टार्टअप एक प्लेटफॉर्म है जिससे वो अपने आइडियाज़ को वहाँ पे रख सकते हैं और उनको किस तरीके से अपने रोज़गार को वो शुरू कर सकते हैं स्टार्टअप के माध्यम से। वहाँ एक ही छत के नीचे कंसल्टेंसी होगी, बैंक की होगी, डिफरेंट कंपनीज भी होंगी जो उनको उस बारे में अवेयर कर सकेंगी कि किस तरीके से जो है वो अपने आइडियाज़ को आगे ले चल के जो है छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकते हैं।